इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो पूरी केमिस्ट्री में तीन ही टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। पहले कार्बोकटायंस, दूसरे फ्री रेडिकल्स और तीसरे एल्कीन्स। कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने बात की कि कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। पर देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कार्बोकटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें भी, इन तीनों में भी कोई एक कंडीशन होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, कि वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तभी इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है? देखो कि इन तीन टाइप के कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए sp3 कार्बन से एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। कि sp3 कार्बन से कम मिनिमम बोल लो, कम से कम बोल लो, एटलीस्ट बोल लो, एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। किससे अटैच? sp3 कार्बन से। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो, आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से उसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, उस कंपाउंड में आपको ढूंढना है उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर। ठीक है, उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर, ये भी आगे अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक्टिव सेंटर से जो अगला कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अगला कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, बीटा से अगर आगे कोई है वो होगा गामा, फिर आगे ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें समझ में आ गया, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, अब इनमें चेक करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? या तो कार्बोकटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट वाला है एल्डिहाइड, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो सकती। सेकंड है एल्कोहल, इसमें भी नहीं हो सकती। थर्ड है क्या है? एल्कीन, तो इसमें हो सकती है। ठीक है, ये है कार्बोकटायन, तो इसमें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये है कार्बो अनायन, इसमें भी नहीं हो सकती। ये है फ्री रेडिकल, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट टेस्ट में ये वाले तीन पास हो गए। अब सेकंड टेस्ट क्या है कि ऐसे एल्कीन या ऐसे कार्बोकटायन या ऐसे फ्री रेडिकल जिनमें sp3 कार्बन से एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब इसमें देखो, मैंने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन में हमें पकड़ना है एक्टिव सेंटर। अब इसमें देखो, एक्टिव सेंटर कौन सा है? ये है डबल बॉन्ड, तो एक्टिव सेंटर इसका हो गया ये वाला। सिंपल है, इसमें देखो एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, जहां पे कार्बोकटायन बन रहा है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, और इसका एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, ये जहां पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर। ठीक है, अब एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, इसमें एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें ये वाला अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अगली बात क्या थी कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? अब देखो, sp3 कार्बन देखना है। ठीक है, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है। ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है।
ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, तो हाइपर कंजुगेशन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इतना क्लियर है, बिल्कुल बेसिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के लिए सिंपल याद रखना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर दी स्टेबिलिटी, बस खत्म। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे मन में लालच आएगा कि डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा हुए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहीं हम अपना क्वेश्चन गलत करवा के आ जाएंगे। हमें हर बार हाइपर कॉन्जुगेशन के हर क्वेश्चन में बेसिक स्टेप से चलना है। यहां पे तो मैंने कार्बो कटायन बनाया, पर यहां पे कार्बो अनायन लिख देता और आप भाग के क्या गिनते, अल्फा हाइड्रोजन। तो तीन टाइप के कंपाउंड में होती है, कार्बो कटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये कार्बो कटायन है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन से अटैच, तो तीनों में वो भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में प्रेजेंट है। अब हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन, इसमें कितने, सिक्स, इसमें कितने, नाइन। तो इसमें नाइन अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक स्टेप, हाइपर कॉन्जुगेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो एल्कीन है तो हाँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी है, और सेकंड रिक्वायरमेंट मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड, sp3 कार्बन से। तो ये सारे कार्बन है sp3, और ये रेड वाले जो टिक कर दिए ये हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, थ्री, ठीक है। ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो एक्टिव सेंटर से नेक्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इसमें कितने हैं, थ्री प्लस थ्री, तो इसमें सिक्स है। इसमें कितने हैं, ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, इसमें है नाइन, तो इसमें नाइन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सिंपल है। थैंक यू।